पास कोई रिएक्शन है R2P कोई आपका रिएक्शन है, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उस टाइम पर यानी कि जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम मान रहे हैं यहां पर मैक्सिमम होगा, और ये डिनोट किया जा रहा है आर नॉट से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज आर नॉट, और जो कि आपका क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ टाइम बाद जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसके कंसेंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, और अगर कंसेंट्रेशन में चेंजेस आएगा तो आपका जो कंसेंट्रेशन होगा कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो इस कंसेंट्रेशन को हम डिनोट कर रहे हैं आर से, जो कि आपका क्या होगा जिस टाइम पर आप देख रहे हो वो वाला कंसेंट्रेशन आपका क्या है आर, जो कि आपका होगा फाइनल कंसेंट्रेशन, दैट इज फाइनल कंसेंट्रेशन। कौन से टाइम पर, किसी भी टाइम पर ही आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है दैट इज आर। अब हम बात करेंगे कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए हम डिफरेंशियल रेट किस तरह से लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, देखिए जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ हमने पहले भी बात की थी जीरो ऑर्डर में, तो लगभग उसी तरह से हमें करना है, केवल यहां पर पावर का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम बात करें रेट इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू के और कंसेंट्रेशन ऑफ आर, और आर का पावर कितना होगा वन होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, रिएक्टेंट आपके पास एक ही है आर, और उसका पावर कितना आएगा वन आएगा। अब ये तो अभी आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब इसी को हम जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो रेट को हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर, इस तरह से लिखते हो कुछ राइट। आई होप इतना आप समझते हो, जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे। ये आपका होता है डिफरेंशियल फॉर्म फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, माइनस डी आर बाई डी टी राइट। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले आप रीअरेंज कर लो, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं रीअरेंज कर लेते हैं, एंड वी कैन राइट दिस एज डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी, ये हमने किया ठीक है। आपने क्या किया इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, डी आर अपोन में आ लिखे, ये डी टी इस तरफ लिखे, और ये वाला माइनस आर भी इस तरफ हमने लिख दिया। अब देखे इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो देखो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेंगे, डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो के आपका कांस्टेंट है, के तो हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो लिमिट है कंसेंट्रेशन का कहां से चेंज हो रहा है आर नॉट से कहां तक जा रहा है फाइनल कंसेंट्रेशन आर तक जा रहा है, और जो टाइम है वो कहां से स्टार्ट हुआ जीरो से लेकर टी टाइम तक चेंज हुआ ठीक है। मतलब जब आपका टाइम जीरो है तो कंसेंट्रेशन आर नॉट है, जब टाइम टी है तो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का आर है, ये हुआ इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस एक्सप्रेशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको याद होगा कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है इस तरह से टी आर बाई आर इक्वल टू वी कैन राइट एल एन आर ठीक है। ये आप ऐसे में देखते हो कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो आपके पास क्या निकल कर आएगा टी आर अपॉन आर इक्वल टू एल एन आर ठीक है, इस तरह से आप देखते हो। तो सेम वे हम यहां पर भी कर सकते हैं, तो यू कैन राइट इट एज एल एन आर बट यहां पर आपके पास लिमिट का भी फॉर्म दिया हुआ है, तो आर नॉट से आर तक चेंज हो रहा है, तो आप इसे यहां पर लिखोगे आर नॉट टू आर इक्वल टू क्या होगा आपके पास के तो कांस्टेंट है माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, सिमिलर वे यू कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t, लिमिट कहां से चेंज हो रही है जीरो से t। अब हमें आगे क्या करना होता है, एक बार तो आप ए वाली वैल्यू यहां पर रखोगे एंड देन आर नॉट की वैल्यू यहां पर रखोगे और बीच में माइनस साइन यूज करोगे, मतलब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो एल एन आर आर कौन सा आर ए वाला आर हमने इसकी जगह पे रखा, हालांकि एक जैसी वैल्यू हमने ली हुई है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक बार ए वाली वैल्यू आप यहां पे रखोगे और एक बार ए वाली वैल्यू इसके साथ रखोगे माइनस एल एन आर नॉट, ये हुआ
इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस ए टी अपर लिमिट, ये वाला हमने लिखा टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो मतलब जीरो को आप हटा दोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या होगा के इंटू जीरो, जीरो ही आएगा, तो माइनस के टी। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एलएन का मतलब हमारे पास क्या होता है, एलएन का मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस ही। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एल एन आर इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज एल एन आर इक्वल टू माइनस ए टी। ये वाला एल एन आर नॉट मैं इस तरह ले जाता हूं, तो आपको मिलेगा यहां पर एल एन आर नॉट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकल कर आता है नेचुरल लॉग की फॉर्म में। और ये वाली इक्वेशन अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो देखो ये वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो कंपेयर, कि जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या हुआ करता है आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस सी। कंपेयर करोगे तो y की जगह आपके पास क्या आ रहा है, एल एन आर आ रहा है, एम की जगह आपके पास क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है, एक्स की जगह टी आ रहा है, और सी की जगह आपके पास एल एन आर नॉट आ रहा है। ठीक है, ये हुआ कि अगर हम एल एन आर और इस टाइम को एक्स और वाई एक्सिस पे ले ले, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना है, क्योंकि यहां पर आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव में है, तो स्लोप अगर नेगेटिव में होगा तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। देखिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, एल एन आर और दूसरा टाइम। ठीक है, इंटरसेप्ट आपका क्या है, एल एन आर डॉट, मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ, इस तरह से कुछ निकल कर आएगा। ये आपका पॉइंट हुआ एल एन आर नॉट, दिस इज द इंटरसेप्ट, ये आपका क्या हुआ इंटरसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखें जरा, एम एम की जगह हमारे पास क्या है, माइनस के दैट इज स्लोप, स्लोप आपके पास क्या है माइनस के। ठीक, ये आपका ग्राफ आया, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव में है तो ग्राफ आपका इस तरह से निकल कर आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास होता है। तो ये आपका ग्राफ था बिटवीन एल एन आर एंड टाइम। इसी इक्वेशन को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो और इसे एल एन को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अधिकतर क्या होता है जो टेबल दिया होता है आपकी बुक में वो लॉग बेस 10 में ही दिया होता है, तो आसान होगा कि हम इसे किसमें कन्वर्ट कर दें, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें। ठीक, ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो जब आप एल एन को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास होता है एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, लॉग बेस 10 या लॉग ही लिख लो, मैं यहां पर लॉग ही लिखूंगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर मैं यहां क्या कर लेता हूं, एल एन की वैल्यू रख लेता हूं। एल एन की वैल्यू रखोगे या इसमें रख लो या कहीं भी रख लो आप, तो जब आप इसमें एल एन की वैल्यू रखोगे, इस वाले में कर लेते हैं, ठीक है इस वाले में, तो देखो आप क्या रखोगे 2.303 एल एन आर, आर की जगह तो आर ही आएगा, एल एन आर की जगह आपके पास क्या आएगा लॉग आर आएगा। ठीक है, आगे देखो माइनस 2.303 लॉग आर नॉट, ये निकल कर आएगा इक्वल टू माइनस के टी, ये लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम देखें तो 2.303 इसके साथ दोनों के साथ कॉमन लिया, तो आपके पास 2.303 लॉग, ये तो कॉमन आ गया, अब आपके पास क्या यहां पर बन रहा है लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट, और यहां पर एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग एन माइनस लॉग एन, अगर आपको कहीं पर इस तरह से दिखता है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं लॉग एन बाई एन, क्या लिखोगे लॉग एन बाई एन। सिमिलर वे यहां पर भी आप लिख सकते हो लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट है, ये आपने कॉमन ले लिया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस तरह से आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस ए टी। ठीक है, या तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर अगर आप यहां पर लॉग का वैल्यू रखते हो, एल एन की जगह 2.30 रखते हो, तो आपके पास किसी रिएक्शन में इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या लिखोगे 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर इक्वल टू के टी, तब आपके पास इस तरह से दिखेगा कुछ। अगर आप क्या करते हो
आर नॉट को ऊपर लिख दो, यहां से माइनस साइन हट जाएगा और ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको इसकी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन या आपके पास जो फॉर्मूला है ये निकल कर आता है, एंड दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से भी बहुत सारे ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो जरा इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहां से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, किस तरह से, एक ग्राफ तो आपका ही हो गया, दूसरा ग्राफ देखो जरा, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। देखो इसी इक्वेशन, अगर मैं चाहूं कि टाइम के बीच में और आर नॉट बाई आर के बीच में, लॉग आर नॉट बाई आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा, देखें मैं लिख सकता हूं इसे लॉग आर नॉट, लॉग आर नॉट बाई आर, इसे डालो इक्वेशन नंबर टू डालो, ठीक है, लॉग आर नॉट बाई आर इक्वल टू इधर के टी है, ये वाला वैल्यू मैं इस तरह ले जा लेता हूं, तो के टी बाई 2.303 इतना हुआ, ठीक है इतना हुआ। अब अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर कर सकते हो, आपसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। y एक्सिस में आपके पास क्या होगा, ये वाला वैल्यू आएगा, m की जगह आपके पास क्या आएगा, क्योंकि टाइम आपको लेना है यहां पर, तो m की जगह ये वाला पूरा वैल्यू आएगा, दिस इज द स्लोप, m की जगह स्लोप। अब इस बार स्लोप क्या है, पॉजिटिव में है, इस बार आपका स्लोप पॉजिटिव में है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की यानी कि सी, तो सी की जगह पे तो कुछ नहीं है, वी कैन राइट हियर जीरो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो इंटरसेप्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट जीरो होगा, वो इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर इंटरसेप्ट क्या था, एल एन आर नॉट था, यहां पर क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो आपका दूसरा ग्राफ जो हमारे पास निकल कर आया, दैट इज एक तरफ आपने लिखा लॉग आर बाई आर नॉट बाई आर, और दूसरी जगह आपने लिखा टाइम, ठीक है। ग्राफ का जो स्लोप आएगा दैट इज पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ इंटरसेप्ट, जीरो से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट की जगह आपके पास क्या है, जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हुआ। अब इसका स्लोप देखिए, स्लोप क्या है, स्लोप फॉर दिस स्ट्रेट लाइन इक्वल टू कितना, के बाई 2.303, के बाई 2.303, ये इसका स्लोप हुआ पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ग्राफ निकल कर आया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक और ग्राफ हमारे पास बनता है, देखें एक तो यहां से बन गया, एक एलएन वाले से बना, और एक ग्राफ हमारे पास अगर हम चाहें कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच में, लॉग आर और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरह से निकल कर आता है, तो देखो यहीं से देख लेते हैं, इस इक्वेशन से देखें जरा, ये वाले जो हमारे पास इक्वेशन, इसी से हम देखते हैं कि जो आपका लॉग आर है और टाइम है उनके बीच में क्या ग्राफ निकल कर आता है। तो देखो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.303 हम इस तरफ ले गए, तो आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन बन रहा है। हमें ग्राफ प्लॉट करना है अभी, किसके बीच में, लॉग आर के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। आपके पास क्वेश्चन अगर ये बनता है कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द लॉग आर एंड टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो तब आप इस तरह की क्वेश्चन लेकर आओगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द लॉग आर नॉट एंड आर, सॉरी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर एंड टाइम के बीच में क्या ग्राफ है, तब आपके पास ये वाला इक्वेशन होगा। अगर एलएन होता तो एलएन की फॉर्म में ये वाला होगा। अब देखो ये वाला तो आपके पास वाई एक्सिस में होगा, टाइम को कर लो एक्स एक्सिस में। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपको मिलने जा रहा है लॉग आर इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303, ठीक इतना हुआ। इस
लॉग आर नॉट को हम इस तरफ ले गए, तो आपका क्या बना, प्लस लॉग आर नॉट, राइट। अब इसे भी आप कंपेयर कर सकते हो स्ट्रेट लाइन से, कर सकते हो, ये आपका वाई हुआ, ये आपका एम एक्स और ये प्लस सी यानी कि कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये आपका वाई एक्सेस में आएगा, एम एम मतलब स्लॉप, और स्लॉप की जगह हमारे पास क्या है यहां पर, ये वाला क्वांटिटी यानी कि नेगेटिव में आपको फिर से दिख रहा है, नेगेटिव स्लॉप नेगेटिव आ रहा है। एक्स की जगह क्या आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की जगह आपके पास टाइम आएगा, और जो आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यहां पर कितना होगा, लॉग आर नॉट, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तीसरा ग्राफ हमारे पास किस तरह से होगा, ये यहां पर हम लिख लेते हैं लॉग आर लिखा, ठीक है, और इस एक्सिस में हम दिखा लेते हैं टाइम, इस एक्सिस में हम दिखा लेते हैं टाइम। ग्राफ प्लॉट करोगे, लॉग आर हुआ, इधर टाइम हुआ, इंटरसेप्ट आपके पास लॉग आर नॉट है, तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा कंसंट्रेशन का स्टार्टिंग में, तो यहां पर हम मान लेते हैं लॉग आर नॉट, और जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो इस तरह से आएगा जैसे इस वाले में आएगा इसमें, क्योंकि आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो इस तरह से कुछ लाइन निकल कर आती है। स्लोप इक्वल टू आपके पास है माइनस, स्लोप इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, इतना निकल कर आया। इंटरसेप्ट आपका लॉग आर नॉट, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जो ग्राफ है हमारे पास पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, आपने समझा होगा, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्म, देखा किस तरह से किया था, आपको याद होगा। तो अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाफ लाइफ को आप किससे दिखाते हो, T1/2, या फिर किससे दिखा सकते हो, T50% आप लिख सकते हो, मतलब आपके पास ऐसा टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे डिक्रीज होकर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, तो उसी कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट या रिएक्शन कितना टाइम लेती है, वही आपका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसे हाफ होने में कितना टाइम लगा, वही आपका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम फॉर अ रिएक्शन, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो या कोई अदर ऑर्डर हो, कोई भी हो, ठीक है, कॉमन डेफिनेशन बनता है, ठीक। अब देखो आपके पास अभी एक इक्वेशन हमने ड्राइव किया था, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, ये आपका इक्वेशन होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉग, अलग अलग आप फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखें जरा, जो हमारे पास आर नॉट है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये वाला फाइनल कंसंट्रेशन। अब हो क्या रहा है, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, आर नॉट बाई टू, यानी कि इनिशियल का हाफ बचेगा, और टाइम आपका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम। तो देखो आपके पास जो टाइम होगा उसकी जगह हम लिखेंगे T1/2, तो T1/2 जब आप लिखोगे, तो आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, आगे क्या लिखोगे, आर नॉट तो वही रहेगा, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई टू हाफ हो जाएगा, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई टू, ओके। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हो, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, आर नॉट बाई टू होगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल हुआ, ठीक है, T1/2 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के R0 से R0 कैंसिल आउट हुआ, तो आपका क्या बचा, log 2 बचा। अब log 2 का वैल्यू पता होगा आपको, बहुत बार यूज होता है, तो log 2 का वैल्यू जो हमारे पास होता है, log 2 इक्वल टू लगभग आपके पास होता है 0.3010 के लगभग, ठीक है, ये आपका log 2 होता है, log 2 का जो वैल्यू है दैट इज द 0.3010। अगर हम इस इक्वेशन में log 2 का वैल्यू रख दें, यानी कि 0.3010 रख दें, तो जो आपका आगे सॉल्व करके आएगा दैट विल बी t
T1 by 2 equal to 0.0693 by K, राइट। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है फॉर अ हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या निकल कर आया है? T1 by 2 इक्वल टू 0.693 by K, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो आपका हाफ लाइफ टाइम है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो किसी भी तरह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, की पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो T1 by 2 है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्या होता है जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके इतना। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो आपका कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो वो चेंज नहीं होने वाला है, टाइम हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप अगर क्या करते हो कंसंट्रेशन में चेंजेस करते हो तो हाफ लाइफ टाइम अनअफेक्टेड रहेगा, T1 by 2 इधर हम कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये आपके पास एक्सप्रेशन है, कहीं भी आपको कंसंट्रेशन का टर्म नहीं दिख रहा है यहां पर, तो इसका मतलब वह जो हाफ लाइफ टाइम होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास है ग्राफ नंबर 4, ये आपने समझा होगा, आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, राइट। आगे हम देखेंगे एक और फॉर्म हमारे पास निकल कर आता है जो कि होता है फॉर गैसेज इक्वेशन के लिए। गैसेज इक्वेशन यानी कि गैस फेज में जब कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, जब आपके पास क्या है गैसेज फेज है और कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो अगर कोई रिएक्शन है गैसेज रिएक्शन है, सपोज हमारे पास है ए, ये कन्वर्ट हुआ बी प्लस सी में, और ये वाला आपका है गैसेज फॉर्म, ये भी गैसेज फॉर्म, ये भी गैसेज फॉर्म। अब सपोज करो कि ये वाला जो गैसेज इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और अगर हमें इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है तो आपको कंसंट्रेशन की जगह किस चीज का यूज करना होता है, प्रेशर का यूज करना होता है, या फिर आप कह सकते हो जो गैसेज इक्वेशन होती है वहां पर कंसेंट्रेशन की जगह हम क्या लिखते हैं, प्रेशर, प्रेशर के टर्म में हम लिखते हैं रेट लॉ। तो इसके लिए जो आप देखो स्टार्टिंग में सपोज करो टाइम जीरो पे इसका सपोज कर लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है इस रिएक्टेंट का जो गैसेज फॉर्म में है पी एटीएम है, ठीक है, पी आई एटीएम मतलब इनिशियल प्रेशर इसका है, तो उस कंडीशन पे इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो इसी का होगा यानी कि टोटल प्रेशर इसी पे डिपेंड कर रहा होगा, और ये हमने मान लिया पी आई एटीएम यानी इनिशियल प्रेशर एटीएम में, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर हुआ उसमें कुछ चेंजेस हुआ, तो इसका प्रेशर कुछ कम होगा क्योंकि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, पहले तो इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा था, तो ओवरऑल प्रेशर जो रिएक्शन में होगा कंटेनर में होगा दैट इज ड्यू टू द रिएक्टेंट, लेकिन जब ये वाला रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो इसका जो प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू द रिएक्टेंट ए दैट विल बी रिड्यूस घटेगा, तो सो दैट वी कैन राइट इट एज अ पी आई माइनस एक्स। सपोज यहां से कुछ एटीएम कितना एटीएम प्रेशर कम हुआ, एक्स एटीएम प्रेशर कम हुआ, ठीक है। अब जितना प्रेशर यहां से कम होगा उतना ही प्रेशर आपको यहां दिखेगा एक्स एटीएम, और यहां पर भी एक्स एटीएम आपको दिखने जा रहा है, ठीक है। अब देखो जरा कि जब हम यहां पर मान रहे हैं कि आपका कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो मैं यहां पर टाइम के लिए क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूं इंटीग्रेटेड फॉर्म में, के 2.303 by K ये लिख सकते हैं log, क्योंकि गैसेज फॉर्म है तो यहां पर कंसंट्रेशन की जगह हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है, प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ ए इनिशियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट का ही प्रेशर आता है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हो तो रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन
या प्रेशर हम यहां पर लिखते हैं, तो PI डिवाइडेड बाई फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट ए। अधिकतर क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि जो आपके पास यहां पर दिया होगा, इनिशियल प्रेशर दिया होगा और टोटल प्रेशर दिया होगा, मतलब ये टोटल दिया होगा, इसका टोटल दिया होगा, ये वाला नहीं दिया होगा, मतलब एक्चुअल में देखें तो फाइनल प्रेशर कितना है, ए का फाइनल प्रेशर ये होगा और इनिशियल ये होगा, ठीक है, यानी कि पीएफ इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू नहीं दिया होता वहां पर, टोटल दिया होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, पी टोटल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पी आई माइनस एक्स हमारे पास है जिसे हम पीएफ से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम पी टोटल टोटल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए जरा, अगर आपके पास किसी टाइम पर इसका प्रेशर इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, देखो पी टोटल इक्वल टू वी कैन राइट इट एज पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, एक एक्स कैंसिल हुआ, ये वाला, ठीक, तो पी टोटल मतलब पी डी इक्वल टू वी कैन राइट पी आई माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन पी आई प्लस एक्स। आप देखो जरा, मैं एक्स की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि पी टोटल इतना आया, ये हमने सॉल्व किया, तो पी टोटल इक्वल टू आपके पास पी आई प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स को हम इस तरफ ले गए, ठीक है, या फिर हम बोले कि हमने इसे क्या किया, रीअरेंज किया, तो x इक्वल टू आपके पास क्या निकल कर आया, pt माइनस i, ठीक, इतना निकल कर आया। अब यहीं पर देख लो, क्योंकि जो आपका फाइनल प्रेशर है रिएक्टेंट का, वो क्या है, pi आई माइनस एक्स, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, pi आई माइनस फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पी एफ इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, ये कर रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, पी टोटल की फॉर्म में उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पी टोटल दिया होगा, ठीक है। अब देखो पी एफ इक्वल टू पी आई एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई, ये लिखा, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो पी आई माइनस पी टी प्लस हो जाएगा पी आई, और जो फाइनल प्रेशर आपके पास निकल कर आएगा पी एफ इक्वल टू पी आई पी आई टू पी आई माइनस पी टी, ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। पी एफ की जगह आपके पास ये वाला वैल्यू निकल कर आ रहा है, तो सो दैट फॉर अ गैसेज इक्वेशन जो आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, दैट बिकम्स टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग पी आई तो ही है, लेकिन फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यू कैन राइट एज अ ये वाला, ठीक है, 2 PI माइनस PT, ये वाला आपका एक्सप्रेशन निकल कर आता है, जो कि आपको ध्यान रखना है PI अपॉन, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास रिएक्शंस होती है, जैसे आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मैं बात करूं, या फिर अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, ये सब क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुआ करती है। तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे।